नमस्कार सभी बच्चों को, मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो मैथ है आपका नवीन आर एस अग्रवाल का जो अंगणित उसे है, और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी तीन क्लासें हो चुकी हैं। ये क्लास नंबर 4 है। अभी तक आपको मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ, उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखते हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, क्लास नंबर 4, जिसमें 31 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या है, 160 का एक्स परसेंट, 160 है, 160 का माने होता है गुणा, और फिर रूट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे, फिर परसेंटेज है, और फिर बराबर में कितना है 64, फिर भाग कितना है आपका 2 है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो परसेंटेज है हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड हमने कर दिया 100 से, उससे आगे 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब यहाँ 0 से आप 0 कैंसिल कर सकते हैं, और 16 एकम 16 और 16 दुनी 32, 20, 10 की आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 दुनी 20। अब देखिएगा वो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो रूट हटाना होगा हमें, और रूट वर्ग से हटता है तो आप दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो इधर जब वर्ग करेंगे तो x हट जाएगा, और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा आपका 400, ठीक है। 32वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 160 का 45%, तो 160 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 45% परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और फिर आगे है प्लस 250 का, तो का माने भी मल्टीप्लाई होता है 14%, तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और फिर बराबर में है क्वेश्चन मार्क तो उसकी जगह एक्स मान लेंगे, और -23, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिएगा। अब क्या करेंगे हम, 0 से आप 0 कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से, और 5 निम 45, और 5 दुनी 10, और 2 से आप इसको 8 बार कैंसिल कर सकते हैं, 8 निम 72 हो जाएगा ये, प्लस 25 एकम 25, और 25 चौका 100, 2 दुनी 4, 2 सत्ते 14, और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार, तो 5 सत्ते कितने हो जाएंगे, 35, और बराबर में कितना हो जाएगा x माइनस 23। अभी ना आप ऐड करें तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो कितना हो गया है 107 आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अब बराबर में एक्स माइनस 23 है, तो 23 को आप जब इधर लेके आओगे तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो 7 और 3 10 की 0 और 2 और 1 3, और तो 130 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाएंगे। में क्या है, क्वेश्चन है 350 का 66%, 350 का माने होता है गुणा, और 66% है, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क तो इसकी जगह हम x मानेंगे, क्या मानेंगे x, और बराबर में क्या है 1256 का माने गुणा होता है, और 5/8, तो हमें ना x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, पहले 0 से 0 कैंसिल करें, फिर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, अब 2 से आप 66 को कैंसिल करेंगे तो ये 33 बार कैंसिल हो जाएगा, इसकी और इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 को 1 हासिल, 2 7 या 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, और प्लस के कितने हैं x। अब इधर आ जाएंगे, 8 से आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो 8 एकम 8 बचे 4 हो गए 45, 8 पंजे 40 बचे 5 हो गए 56, 8 सत्ते 56, ठीक है, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 5 सत्ते 35 को 5 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 कितना हो गया 28 को 8 हासिल 2, और 5 एकम 5 और 2 7। अब 231 को आप उधर ले जाएं तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो यहीं से माइनस करें, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 4, और 8 में से 3 गया तो 5, और 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। तो x बराबर आ गया आपका 554, x बराबर कितना आ जाएगा 554 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन है 750 का 64% ब्रैकेट के अंदर, 750 का मतलब गुणा होता है 64%, तो परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, ब्रैकेट बंद हो गया, और फिर भाग 4, भाग कितना है 4 है, और फिर बराबर में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मानेंगे, और भाग 5, भाग कितना है 5 है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करना होता है, ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करना होता है, तो इस 0 से तो ये 0 आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 5 से ये 2 बार कैंसिल, और 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, ठीक है, और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 से ये हो जाएगा 32 बार कैंसिल। अब इन दोनों की आप गुणा कर लो तो 15 दूनी 30 की 0,
हासिल 3, 15 + 45 और 3 कितना हो जाएगा आपका 48, ठीक है। और भाग 4 तो मतलब बटे 4 हो जाएगा, और इधर भी x बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4, 4 × 2 = 8 और ये हो जाएगा x बटे 5, ठीक है। तो 12 × 5 कितने हो जाएंगे, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 5 = 60, तो 0, तो ये x बराबर हो जाएगा 600, x बराबर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाएंगे, 35वां क्वेश्चन देखते क्या है। पैंतीसवां क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, देखो टोटल 3 संख्या है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इसने ये कहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% और 25% अधिक है, तो तीसरी से अधिक है, तो आप ना तीसरी संख्या 100 मानो, तीसरी संख्या क्या मानोगे आप 100 मानोगे, तो पहली संख्या तो 12.5% अधिक है, परसेंटेज में जितने परसेंट अधिक होता उतना 100 प्लस करके लिखते हैं, तो पहली संख्या तो हो जाएगी 112.5%, क्योंकि ये तीसरी से 12.5% अधिक है, तो 112.5%, ठीक है। और दूसरी जो संख्या है वो जो है 25% अधिक है, तो 100 का 25% तो 25 ही होगा, तो 100 में 25 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो एक ये आपका शॉर्टकट होता है बटे का, है बटे का, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 कर देते हैं और फिर परसेंटेज हो जाता है, तो जिसके साथ है लगता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके साथ का लगता है उसको नीचे लिखते हैं, तो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या नीचे आएगी और पहली संख्या ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 112.5 / 125, और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, परसेंटेज हटा के आप 0 बढ़ा लो इस तरह से, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ 0 से 0 खत्म कर लेते, चलो यहीं कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इससे डिवाइड करो 25 × 100, तो बचे कितने 12 हो गए 125, और 25 × 5 = 125, और 25 × 5 = 125, और 50 × 100 तो 45 × 90, तो 90% इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आप 36 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाएंगे, 36 में क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, ए की जो आय है वो बी से कितने परसेंट अधिक है, वो बी से जो है 30% अधिक है, तो 130 मानेंगे। देखिएगा जिससे कम या अधिक होता है और क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो उसको 100 मानना चाहिए, उसको कितना मान लेना चाहिए 100 मान लेना चाहिए, तो बी से अधिक है ए, तो हमने बी को 100 मान लिया, तो ए जो है जितना अधिक है उतना बी का उतने परसेंट निकाल के जोड़ देंगे, और 100 का जितना परसेंट निकालते उतना ही आता है, तो ए बी से 30% अधिक है, तो हमने लिख लिया 100 और 130। अब आपसे पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, आपसे कमी परसेंट बूझे या अधिक परसेंट बूझे, थोड़ा परसेंट बूझे या ज़्यादा परसेंट बूझे, ऊपर तो लिखते हैं, तो हमसे ये कमी परसेंट पूछ रहा है, तो आप ऊपर अंतर लिख दो, तो इनमें अंतर कितने का 30 का, और बटे के नीचे उल्टा लिखते हैं, उल्टा मतलब अगर आपसे कमी परसेंट पूछ रहा है तो उन दोनों में से बड़ा वाला नीचे आएगा, और आपसे अगर अधिक परसेंट पूछ रहा है तो उन दोनों में से छोटा वाला नीचे आता है, तो बटे में नीचे उल्टा लिखते हैं और ऊपर अंतर ही लिखा जाएगा दोनों केसों में, ठीक है। तो ये कमी परसेंट पूछ रहा है तो इनमें से बटे में बड़ा वाला आएगा, तो बड़ा वाला कितना है 130, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये आपका बेसिक सूत्र है, तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 300/13%, 300/13%, तो 13 × 2 = 26 हो जाएगा, बचे 4 हो गए 40, तो 13 × 3 = 39, तो बचा 1, तो 23 सही 1/13% आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 37, देखो 37 कैसे होगा आपका, इसमें क्या बोला गया है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अनिल की जो ऊंचाई है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक से 60% अधिक है ना, तो दीपक को 100 मानेंगे, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो मानना हो आपको तो 100 मानना चाहिए, तो दीपक को 100 मानेंगे, और अनिल दीपक से 60% अधिक है, तो 100 का 60% 60 ही होगा, अधिक के लिए जोड़ देंगे, तो ये 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे कहा गया कि अनिल की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम है, तो देखो कमी परसेंट बूझ रहा है ना, तो ऊपर तो अंतर आएगा और बटे के नीचे बड़ा वाला आएगा, ऊपर अंतर और बटे के नीचे बड़ा वाला, तो अंतर तो 60 का है और बटे में इन दोनों में से आएगा, कमी में बटे में बड़ा आता है, वो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। बस अब इसको आपको सोल्व करना है, ठीक, तो कैसे भी कर लो आप, तो 0 से 2 0 आपकी कैंसिल होगी, और 4 से ये 4 बार और 4 से ये 25 बार, ठीक है। अब 2 से ये 2 बार और 2 से ये 3 बार, तो 25 × 75/2 हो जाएगा, और 75/2 होता है 37.5%, ठीक है, 37.5%, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 37.5%। इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38। अब 38 में देखना होगा क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखते हैं 38 में क्या बोला गया है,
ये कह रहा है यदि x y से 10% अधिक है, x जो है वो y से कितने परसेंट अधिक है, वो y से 10% अधिक है, तो हमने y को 100 मानना होगा, क्योंकि जिससे कम या अधिक होता उसको मानते, क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानना चाहिए, तो हमने y को 100 मान लिया, और x इससे 10% अधिक है, तो 100 का 10% 10 होता है, और अधिक के लिए जोड़ देंगे। अब इससे आगे आपसे पूछ रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है, देखिएगा कमी परसेंट पूछ रहा है ना, तो अंतर बटे बड़ा आएगा, अंतर बटे बड़ा, तो इनमें अंतर कितने का है, इनमें जो अंतर है वो 10 का है, और बटे में इन दोनों में से बड़ा आएगा, तो ये आ जाएगा 110, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, इसकी आवश्यकता ना होगी आपको, ये कितना हो जाएगा 1/11, और 1/11 कितना परसेंट होता है, 9 से ही 1/11% होता है, 1/11, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 38, तो 9 से ही 1/11% होता है, 9 से ही 1/11%, जिस दिन मैंने ये चैप्टर शुरू करा था उस दिन आपको स्टार्टिंग में परसेंटेज लिखाई गई होंगी, अगर किसी को ये परसेंटेज याद नहीं है तो पहले इसकी क्लास नंबर 1 आप जरूर देख लें, ठीक है, क्लास नंबर 1, ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 39, अब 39 में क्या है, 39 में यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए जो है बी से 20% कम है, ए तो बी से कम है ना, तो हम बी को 100 मानेंगे, और ए को 20% निकाल के घटा देंगे, तो 100 का 20% बी से होकर घटा दिया तो 80 आ गया। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, देखिएगा अधिक परसेंट बूझ रहा है ना, कमी परसेंट बूझे या अधिक परसेंट, ऊपर अंतर रखते हैं तो इनमें अंतर कितने का है 20 का, और बटे में उल्टा रखते हैं, अगर अधिक परसेंट बूझता तो उन दोनों में से छोटा वाला, तो छोटा कौन है 80 है, तो बी सी कम 20 और 20 चौक 80, तो 1/4 कितने परसेंट होता है 25%, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25%, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कितना आ जाएगा 25%, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाएंगे, 40 में देखते क्या है, 40वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसने कहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ए की जो आय है वो बी की आय से कितने परसेंट कम है, तो बी को तो 100 मानना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानते हैं, जिससे कम या अधिक होता उसको मानते, तो 100 मान लिया हमने, और बी की आय से 25% कम है, तो इसका 25% तो 25 ही होगा, कम के लिए घटा दो तो कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है, तो अब इसे कैंसिल करना चाहो तो कर लो, या ऐसे भी हो ही जाएगा, तो आपसे कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक परसेंट बूझे या कमी परसेंट, ऊपर तो अंतर रखते हैं और बटे में उल्टा, तो अधिक परसेंट में बटे में छोटा वाला आता है, तो 25 तिया कितने होते हैं 75, तो 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%, क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है, 41 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 41 पे, 41 में देखते क्या है, 41वां क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, ए की जो आय है वो बी की आय से 50% कम है, तो बी को हम 100 मानेंगे, तो ए 50 कम है, तो 100 का 50 50 तो कम कर दिया, उससे आगे पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक बूझे या कम, ऊपर तो अंतर ही आता है, और अधिक में बटे में छोटा आता है, तो छोटा कौन है 50 है, तो एक आ गया आपका, तो एक कितना होता है 100% होता है, एक कितना होता है 100%, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएंगे, 42 पे, अब 42 में क्या है, 42वां क्वेश्चन है, यदि ए का 60% बराबर, ए का माने गुणा होता है 60% बराबर बी का, और कामाने गुणा होता है 3/4 बी का 3/4, तो ए अनुपात बी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, इधर भी परसेंटेज हटा लो, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, तो इसे हम 60/100 लिखेंगे, अब 20 से कैंसिल करेंगे तो 20 तिया 60 और बटे में 100 होगा तो 20 × 100, तो इस 60% को 3/5 लिखा जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, ठीक है, तो 3/5 और बराबर क्या हो जाएगा ये b × 3/4, अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो a × 1/5 और बराबर b × 1/4, ठीक है, b × 1/4, अब देखिएगा जब बटे की संख्या बराबर में हो और उनको अनुपात में लगाना हो तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, उनके ऊपर की संख्या आप बराबर कर लो, फिर नीचे जो संख्या होती है वही अनुपात होता है, तो ऊपर की संख्या तो ऑलरेडी बराबर ही है, तो फिर जो नीचे है वही अनुपात हो जाएगा, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में 5/4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाएंगे, 43 में क्या है, 740 का 35%, 740 का कितने परसेंट, 35% हटाने के लिए बटे में 100 लेंगे, इसने ये कहा है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो आप पहले क्या करेंगे 740 का 35% निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले आप इसको सोल्व कर लें, तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, और 5 से ये 7 बार और 5 से ये 2 बार और 2 से ये 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 14, तो 37 × 7 तो 7 × 7 = 49 हासिल 4 × 7 = 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, तो 740 का 35% कितना आ रहा है 259, अब ये 259 जो है एक संख्या से 34 अधिक है,
ये 259 एक संख्या से कितना अधिक है 34, अगर इसमें से तुमने 34 कम कर दिया तो आपको संख्या मिल जाएगी, तो 34 कम कर दो आप इसमें से, तो 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा और 5 में से 3 गया तो 2, तो संख्या है 225। अब वो संख्या का क्या पूछ रहा है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा, संख्या का 2/5 आपसे पूछ रहा है, तो इसका आप 2/5 निकाल लो, ठीक है, तो 5 से ये 5 चौक 20 तो बचे 2 तो हो गए 25, 5 पंजे 25, तो 45 दूनी 90, तो आपका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, 90 आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे, 45 तक आज ये क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले कोई भी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में क्या, किसी वस्तु का 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगी। देखिएगा क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ लें, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किसी एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य होगा। इसके दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको आसान लगे आप उससे कर लेना। एक तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। तो एक्स पहली वृद्धि है 10 और वाई दूसरी वृद्धि है वो भी 10 है, प्लस 10, बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा, तो 10 गुणा 10 बटे 100, तो ये कैंसिल होकर यहाँ 1 बचेगा, तो 20 प्लस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 21%। कितने परसेंट, 21%। अब आप इसका दूसरा तरीका देखेंगे, यह मानेंगे 100 और पहली वृद्धि कितनी 10%, तो वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखते हैं, तो 110% हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा, गुणा दूसरी वृद्धि जितनी उसे 100 में लिख दो तो वो भी 10% है, दूसरी वृद्धि जितनी उसे 100 में जोड़ के लिखेंगे तो वो भी 10 है, तो 110% हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। बस इसको सोल्व कर दें आप, इसको क्या कर दें सोल्व, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 जीरो तो आपकी ये और ये तो इससे कैंसिल हो गई है और ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 11 11 में कितना हो गया आपका 121, कितना हो गया है 121 हो गया है। बस इसको 100 में से माइनस करना होगा आपको, कितने में से माइनस करना होगा 100 में से, ऐसे भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, जैसे आप चाहें ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाएं, 44 तो आपका हो गया है, 45 पे आ जाएंगे आप। 45 क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। सपोज करो प्रारंभिक मूल्य 100 था, प्रारंभिक मूल्य कितना था 100 था, और आपने पहले कितने परसेंट की वृद्धि की है 10% की, तो वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखते हैं तो 110% बटे में 100 आ जाएगा, गुणा दूसरी वृद्धि आपने कितनी की है, तो दूसरी वृद्धि 20% की है, तो 120 बटे 100, तो दूसरी वृद्धि कितनी हो चुकी है बढ़ के, तो दूसरी वृद्धि जो बढ़ के हुई है वो 33 है, तो बराबर में 33 लिख देंगे आप, इसको सोल्व कर लें आप, ठीक है, तो 1 और 2, तो ये दोनों जीरो तो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 11 से आप इसको कैंसिल कर लें, तो 11 3 33, ठीक, और 3 से आप इसको कैंसिल कर लें 4, तो इधर तो 1 बचा है, ठीक, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ 100 से आप 100 कैंसिल कर लेंगे तो 4 बराबर 1 हो गया, 4 बराबर 1, और बराबर रखने के बाद 1 निकालते तो 4 से डिवाइड करो, तो 1 की कम 1, तो 1/4, अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछे तो वो प्रारंभिक संख्या पूछ रहा है, तो प्रारंभिक संख्या तो हमने 100 मानी थी, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो तो 100 ही कम 100, और जब 1/4 में आप 100 की गुणा करोगे तो 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। तो आज तक आज जो क्वेश्चन कराने थे यहीं तक कराने थे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, ठीक है।